दक्षिण, पूरा पश्चिम, जहां कहीं भी हम लोग गए हैं, सब ओर एक स्वर है, एक नारा है, वह है फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। इनको तो कैंडिडेट नहीं मिले हैं लड़ने के लिए, और कांग्रेस अपने इतिहास में सबसे बड़ी पराजय के लिए तैयार है, वाली है। 2014, 2017, 2019 और 2022 में इन लोगों को, भाई बहन की जोड़ी को, दो लड़कों की जोड़ी को उत्तर प्रदेश ने खारिज किया है। गोरखपुर में है और इस वक्त गोरखपुर के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक रोड शो कर रहे हैं। भव्य रोड शो जो है आप देख रहे हैं गोरखपुर है। महाराज जी, आप इस वक्त गोरखपुर में रोड शो कर रहे हैं, आपने पूरे देश में चुनाव प्रचार किया, कैसा माहौल पूरे देश में दिखाई दे रहा है? उत्तर, दक्षिण, पूरा पश्चिम, जहां कहीं भी हम लोग गए हैं, सब ओर एक स्वर है, एक नारा है, वह है फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी। योगी जी कह रहे हैं कि, विपक्ष कह रहा है कि हम, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 हो गए हैं, पूरा जो परिणाम आएगा वो बदला हुआ आएगा, पहले वो एक सीट दे रहे थे, कह रहे 80 कैसे जीतेंगे? इनको तो कैंडिडेट नहीं मिले हैं लड़ने के लिए, और कांग्रेस अपने इतिहास में सबसे बड़ी पराजय के लिए तैयार है, और मुझे लगता है उसकी पराजय सुनिश्चित है। कांग्रेस की दुर्गति होने वाली है। 2014, 2017, 2019 और 2022 में इन लोगों को, भाई बहन की जोड़ी को, दो लड़कों की जोड़ी को उत्तर प्रदेश ने खारिज किया है। दोनों शहजादे एक बार फिर मोती खाएंगे। वो कह रहे हैं कि जो नतीजे होंगे वो बेहद चौंकाने वाले आएंगे, इस बार जनता ने मूड बना लिया। चौंकाने वाले तो होंगे, क्योंकि अब की बार 400 पार, तो विपक्ष की जमानत जब्त हो रही है, और मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बनेगी। आप लगातार चुनाव प्रचारों में बज रहा है कि इस बार जो राम को लाए हैं उनको ले आएंगे, राम भक्ति राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, तो राम को आशीर्वाद, राम का आशीर्वाद इस बार किसको मिलने जा रहा है, क्या वजह लगी? देखिए, वो है वही जो राम रसी राखा, प्रभु राम अपने भक्तों पर ही कृपा करेंगे। भारत का गौरव लौटा है मोदी जी के नेतृत्व में, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, एक नव्य और भव्य अयोध्या देश और दुनिया को देखने को मिल रही है। स्वाभाविक रूप से प्रभु राम की कृपा और बजरंग बली की कृपा राम भक्तों पर ही होगी, राम द्रोहियों पर नहीं। इस बार लगता है कि जो बीजेपी ने 80 का नारा दिया उत्तर प्रदेश में पूरा हो पाएगा? हाँ, 80 बनेगा आधार, अब की बात 400।